नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योगा चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको डाइटिशियन कैसे बने इसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि डाइटिशियन एक्चुअली होते क्या है, क्या योग्यता लगती है और क्या प्रोसीजर है डाइटिशियन बनने के लिए, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन शुरुआत में सिर्फ इतना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फिर हम आगे बढ़ेंगे और डाइटिशियन के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, आज के समय में डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिम चले जाइए, आप मतलब फैट लॉस करने की संस्था में चले जाइए, आप ऐसी किसी भी जगह पर जाएंगे। आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो गए कि भाई जिम हो गया है, इसके अलावा जुम्बा क्लासेस लोग लेते हैं, इसके अलावा कैलिस्थेनिक्स वगैरह में आप जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। आपको फैट लॉस अगर करना है तो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अलग अलग क्लासेस और ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। ऐसी जगहों पर आपको सिर्फ एक चीज़ बोली जाती है कि आपको डाइट कंट्रोल करना होगा। ये कहा जाता है कि यार आपको ये खाना होगा, वो खाना होगा, लेकिन क्या सबके पास अथॉरिटी है आपको बताने की कि यार आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है? अथॉरिटी से मतलब यही नहीं है कि हर कोई आपको सलाह जरूर दे सकता है, लेकिन जो डाइटिशियन होते हैं, ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होते हैं, वो आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से चेक करके बता सकते हैं कि आपको क्या खाना सही रहेगा, किन चीज़ों की आपकी बॉडी में कमी है, वो चीज़ें आपको खानी होगी, जिससे कि बीमारियों से तो दूर आप रहेंगे लेकिन फिट होने के लिए भी आप अग्रसर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान बताता है, आज के समय में आप देखेंगे अगर आप जिम में भी जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको फैट लॉस करना है, तो जहाँ पर आपको फिट होना है, तो वहां पर एक डाइटिशियन जरूर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है। और इसी प्रकार डाइटिशियन का करियर भी काफ़ी आगे निकल जाता है। बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमी में देखेंगे, वहाँ पर भी आपको डाइटिशियन मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे, आपको पूरा एक टाइम टेबल बनाकर देते हैं कि भाई हाँ इस समय पर आपको ये खाना होगा, इतने समय पर खाना है, क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, सब कुछ बताते हैं। तो करियर के लिए एक डाइटिशियन बनना बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि डाइटिशियन करते हैं क्या है। डाइटिशियन सिंपली आपके बॉडी टाइप को पहचानते हैं, समझते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है और उस हिसाब से एक डाइट आपके लिए प्लान करते हैं, एक संतुलित आहार आपके लिए बनाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें खानी होगी। क्योंकि खाने में बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको पता है, वसा अलग हो जाता है, फाइबर अलग हो जाते हैं, प्रोटीन अलग हो जाता है। ये सारी चीज़ों में वो देखते हैं कि आपकी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की अधिकता आपकी बॉडी में ऑलरेडी है। फैट बहुत ज़्यादा है तो फैट आपके खाने से कम करना होगा और बाकी चीज़ों की अधिकता करनी होगी। ये सब चीज़ें जो है सीखते हैं डाइटिशियंस और उसके बाद आपको बताते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले। अब आप उनके ग्राहक भी हो सकते हैं या फिर आप उनके दोस्त भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अस्पतालों में भी आप देखेंगे कि कुछ जैसे आजकल डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं, शुगर जिनको हो जाती है ज़्यादा, या फिर किसी और चीज़ों के भी अलग अलग बीमारियां होती हैं जिनमें खाने पीने पर बहुत ज़्यादा संतुलन रखना ज़रूरी होता है, और ऐसे समय पर डाइटिशियन काम आते हैं। उनको पता रहता है कि किस तरीके का खाना कैसा इफेक्ट आपकी बॉडी पर डाल सकता है, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डाइटिशियन का काम यहाँ पर भी और बढ़ जाता है, यानी कि करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई कैसा स्कोप है आगे, लेकिन ये जानते हैं कि अगर आप एक डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। पहले योग्यता जानिए, फिर बताता हूँ प्रोसीजर क्या है, मतलब 12th पास करने के बाद से आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। योग्यता में दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन लिसनिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी इंसान को उसका डाइट बता रहे होंगे तब ज़रूरी होगा कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो बातें हैं, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, उसको ध्यान से आप सुन सकें। तो ये एक आपकी योग्यता में गिना जाएगा कि आप कितना अच्छा सुनते हैं, कितना अच्छा समझते हैं किसी को। दूसरा, आपको लोगों को सिखाना आना चाहिए, आपको लोगों को समझाना आना चाहिए कि आपको कोई भी काम अगर करना है तो कैसे किया जाए। बहुत सारे मरीज भी आपके पास आएंगे और बहुत सारे फिटनेस फ्रीक भी आपके पास आएंगे जो आपसे डाइट के बारे में पूछना चाहेंगे, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आप उनको समझा सकें, उनको बतला सकें कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या टाइम पर करनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एबिलिटी आपको कहूँगा कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ लिखना भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि आप लिख कर ही उन्हें वो बनाकर चार्ट देंगे कि कब क्या खाना है, तो वो भी चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो है योग्यता के बाद, यहाँ पर आपकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है उस पर मैं लेकर के चलता हूँ। क्योंकि जब आप ये अब पूरा जो प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो एक आपके अंदर चीज़ आ ही जाएगी कि आप लोगों को समझा जरूर सकेंगे। फिर भी अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो लोग उतने ज़्यादा आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप खुद से काम करना चाहते हैं, किसी के पास जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या प्रोसीजर रहेगी। तो टोटल दोस्तों 7 चरण इसके होंगे। सबसे पहला होगा कि आपको 12वीं पास करना है, और 12वीं भी ऐसे ही पास नहीं करना है, साइंस से पास करना होगा।
साइंस में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि बायोलॉजी आपके बॉडी से संबंधित चीज़ें पढ़ लेंगे आप, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपको न्यूट्रिएंट्स की में क्या क्या केमिकल्स हैं वो सब समझ में आता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो साइंस स्ट्रीम से आपको 12th पास करनी होगी, यानी कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी 12वीं तक की। उसके बाद आता है कॉलेज का सिस्टम। तो डाइटिशियन कोर्स के लिए दोस्तों बहुत सारे संस्थान अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी जो है एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि नहीं लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन ऐसे बहुत चुनिंदा ही आपको या फिर कुछ 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 एक ही मिलेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हैं। ज्यादातर अगर सरकारी संस्था है तो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर निजी संस्था है तो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आपको पास करना होता है और अच्छे अंकों से पास करना होता है। इसके अलावा कुछ एक संस्थान जो है ये भी मानते हैं कि आपका पीसीबी का जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा होना चाहिए, वो 60% होना चाहिए, तभी आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के रूप में आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले तो 12th बहुत अच्छे ग्रेड से पास करनी होगी, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी। जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि आप 2-3 जो कोर्सेज हैं उनमें से चूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला कोर्स है बीएससी होम साइंस का, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक रास्ता होता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मास्टर्स करें और वहां से आप एक डाइटिशियन बनकर निकले, या फिर आप बीएससी न्यूट्रिशन से कर सकते हैं ताकि आप एक डाइटिशियन के रूप में ही उभर कर आएं। हालांकि यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी, सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलता, लेकिन ये आपका बेस तैयार करने के लिए काफी अच्छा होगा। आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, उसके बाद भी आप जो है मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर फूड टेक्नोलॉजी कर ली उसके बाद भी आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको डाइटिशियन बनने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन जो है लगभग 4 साल का रहता है, तो ये कोर्सेज आपको करने होंगे फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगले चरण की बात करता हूँ। जब आपने कोर्सेज डिसाइड कर लिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक अच्छा कॉलेज ढूंढ करके वहां से पढ़ाई करनी होती है और स्नातक की डिग्री करनी होती है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आप सभी को पता ही है कि 3 से 4 साल कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छे ग्रेड से पास करना होगा। यहाँ ये नहीं चलता है दोस्तों कि आपने बहुत कम ग्रेड्स लाए, क्योंकि आप एक डाइटिशियन बनने जा रहे हैं तो आगे सर्टिफिकेशन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि तगड़ी मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें। इसके बाद आती है दोस्तों सर्टिफिकेशन की बात। तो यहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो डाइटिशियन बनने के लिए। सिर्फ डिग्री लेने के बाद आप डाइटिशियन नहीं बन जाते हैं, आपको यहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जिसके लिए आपको अपनी डिग्री भी यहां पर, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सर्टिफिकेट्स हैं, वो यहां पर सबमिट करने होते हैं, उनके आधार पर आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि हमारे देश के अगर कोई लोग हैं जिन्होंने डिग्री कर ली है तो वो डायरेक्टली सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, अपना जो है करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर कोई विदेशी हैं जो आकर यहाँ पर कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़े से नियम अलग हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक भी आप सिर्फ डाइटिशियन कहला रहे हैं, आप डाइटिशियन अभी बनते नहीं हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि एक मेडिकल फील्ड से जुड़ी चीज़ है तो आपको इंटर्नशिप करनी होगी और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी को पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कई कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो अपनी कला में पारंगत हो पाते हैं। ऐसे नहीं कहूँगा, ऐसे कहूँगा कि तब जाके वो एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं जो कि मरीज को सही इलाज दे पाते हैं। तो इसी तरह डाइटिशियन भी इंटर्नशिप करते हैं। अब आप इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो कि ऐसे चीज़ें निकालती हैं और वहाँ पर आप डाइटिशियन के कोर्स कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद आप सही मायनों में डाइटिशियन बन पाते हैं। बता दूं कि ये इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है कि ये वेतन देकर आपको की जाएगी, कई जगह अवैतनिक होती है, यानी कि आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, इसका कुछ भी पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर काम करना होता है क्योंकि आप सीख रहे होते हैं। इसके बाद जो आखिरी चरण है दोस्तों, 7वां चरण है, वो है IDA में रजिस्ट्रेशन करना। इन सब के बाद अभी तक जो आपने किया है, इसके बाद इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन में जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पूरे तौर पर एक डाइटिशियन बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जितना मैंने अभी तक बताया है। अगर आप यहाँ पर कुछ मास्टर्स कर लेते हैं तो वो आपके प्लस पॉइंट में जाता है, आप चाहें तो किसी भी कोर्स के बाद मास्टर्स कर सकते हैं। डाइटिशियन बनने के बाद कमाई के क्या क्या विकल्प हैं उनकी मैं आपको एक एक लिस्ट बता देता हूं कि सबसे पहले आप क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हैं, पीडियाट्रिक डाइटिशियन बन सकते हैं, स्पोर्ट एंड हेल्थ डाइटिशियन बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, अकादमिक डाइटिशियन बन सकते हैं, कम्युनिटी डाइटिशियन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं जिसमें आपको डाइटिशियन एज अ डाइटिशियन नौकरी मिल सकती है और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। इनकम की बात करूँ दोस्तों तो ये जैसा कि आपको बताई है कि शुरुआती दौर में 20 से 30 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आपको मिलने लग जाएंगे आपके कस्टमर्स की तरफ से, उतने ज़्यादा आपकी जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी होने लग जाएगी।
तो ये है दोस्तों डाइजेशन के बारे में सारी बातें। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।